हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मिक्स वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर 4 से 5 प्याज कट करके ली हूँ स्लाइसेस में, और 4 टमाटर, 1 कटोरी मटर, और मैंने 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा कॉलीफ्लावर, गाजर और 1 कटोरी बीन्स, 4 आलू। और इसके लिए मैं यहाँ पर 750 ग्राम चावल धो के रख दी हूँ। मैं लोकल बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको पकाने के लिए मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दी हूँ। इसमें मैं 4 हरी इलायची, 4 दालचीनी, 6 से 8 काली मिर्च और 4 लवंग। अब इसमें मैं प्याज को डाल के इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा इसको फ्राई करके लूँगी। हल्का हल्का कलर चेंज होने लग जाए तब मैं इसमें आलू डाल के फ्राई करके लूँगी। देखिए, हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें आलू डाल के 2 मिनट तक फ्राई करके लूँगी। इस तरह से फ्राई करने से फर्स्ट हमें आलू ही डालना है। आलू हमारे अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं और बीन्स को भी हमारे पकने में देर लगता है। इसको भी हमें ऑयल में थोड़ा फ्राई करके लेना है 30 सेकेंड्स के लिए। और इसमें मैं टमाटर डाल के इसको थोड़ा फ्राई करके लूँगी। अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें 3 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 स्पून मैं हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें मैं 3 स्पून नमक, 2 स्पून हल्दी, 4 स्पून धनिया पाउडर और 2 स्पून गरम मसाला पाउडर। इसको हमें अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। अब हमें मटर डाल के 10 से 20 सेकंड के लिए हमें इसको फ्राई करना है। अब लास्ट में हमें इसमें फ्लावर और गाजर डालना है। इसको पकने में बहुत कम टाइम लगता है, इसके लिए हमें इसको लास्ट में डालना है। अब इसमें मैं होममेड 1 क्वाटी दही डाल दी हूँ, 1/2 कटोरी पुदीना फ्रेश। इसको हमें अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है 2 मिनट तक। हमें इसको ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है वरना ये बहुत गल जाएंगे। पुलाव में हमारे वेजेस खिले खिले रहना है, इसके लिए हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हाफ कुक करना है, हाफ से भी थोड़ा कम ही कुक करना है। अब इसमें मैं 1/4 माप पानी डालूंगी। देखिए, पानी में हमारा बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको चावल को इसमें डाल दूंगी। ये मैंने लोकल बासमती चावल ली हूँ। इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगोने रख दी थी। इसको मैं 3 ग्लास चावल के लिए 4 ग्लास पानी का इस्तेमाल करूंगी। लोकल बासमती से बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें 1 कटोरी धनिया डाल के ढक दी हूँ। देखिए, इसको हमें थोड़ा बॉईल आने के बाद नीचे ऊपर मिक्स करना है। फ्रेश पुदीना डालने से हमारे पुलाव में बहुत अच्छी तरीके का तरह का फ्लेवर आता है। देखिए, पानी खुश्क हो जाने के बाद इसको हमें नीचे ऊपर करके लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल के मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम होने रख दूंगी। देखिए,
10 से 15 मिनट हो गए हैं, पुलाव हमारा अच्छी तरह से दम हो गया है, बहुत मज़ेदार खुशबूदार बनता है। जो हमारे लोकल बासमती चावल रहते हैं उससे तो बहुत बढ़िया बनता है, खाने में बहुत लजीज लगता है। आप भी इस तरीके से बनाइए, आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए हमारा ज़बरदस्त टेस्टी वेज मिक्स पुलाव बनके तैयार हो गया है। इसको मैं पुदीने की चटनी और नींबू प्याज के साथ सर्व की हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर